माननीय भंडारकरों से अनुरोध करेंगे कि मंत्रोच्चार करते हुए माननीय परम पूज्य हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्य सभा सांसद परम सम्माननीय आज गांधीपुर के सदस्यों के मानस क्षेत्र में एक पूर्व उल्लास और हार्दिक भव्यता की परम तृप्ति लाने अनुभूति का नाम को हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे परम से ही मानव मिश्रा जी के रूप में आज एक ढोल ज्ञान हंस हमारे मान सरोवर में उतर आया हो। सहृदयता के भंडार, कोमलता के आगार, पवित्रता के उद्गार।
श्री आदित्य कुशवाहा, श्री उद्धव जिला पंचायत सदस्य जी। अब मैं जी अब मैं हमारे अब परम पूज्य श्री हमारे बड़े भाई पूर्व कैबिनेट मंत्री नया विकास मंत्री माननीय श्री लखन दुबे जी, लखन दुबे जी हमारे बीच में है जो हमारे अयोध्या मथुरा काशी प्रयागराज बनाएगा, चारों बार प्रमुख समाज को जगाने में माननीय विश्वनाथ जी के साथ निरंतर चल रहे हैं। आज से हम अपने मंत्री जी का माननीय दुबे जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मनीष पांडे जी और मान्य दुबे जी को आमंत्रित करें। धन्यवाद। प्रमुख विचार संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय सभापति महोदय, कार्यक्रम में हम लोग के बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रसिद्ध कानूनविद और आधुनिक युग के आधुनिक राजनीति के चाणक्य और सोशल इंजीनियरिंग के प्रेता परम आदरणीय माननीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब का हम अपनी तरफ से गाजीपुर जिले की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं। साथ में उनके आए पूर्व मंत्री माननीय नकुल दुबे जी और साथ में यहाँ पे उनके साथ आए वरिष्ठ हमारे जो साथ में वरिष्ठ नेतागण उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं और इस गाजीपुर जिले के गरीबों मजलूमों की आवाज लोकप्रिय सांसद अफजल अंसारी साहब का भी स्वागत करते हैं। यहाँ पे हमारे सेक्टर क्वार्टर डीएम प्रताप साहब का भी तमाम हमारे वरिष्ठ लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए और आज भीषण परिस्थिति में जो कि गाजीपुर जिले में लगभग 3 विधानसभाओं में बाढ़ का एरिया है और बारिश की सुबह से हो रही थी बूंदाबांदी, फिर भी आप लोग इतनी संख्या में आए, मैं आप लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। इसी के साथ मैं अपना पूरा समय मुख्य अतिथि को आजमगढ़ भी जाना है और उनके बीच में बाधा न बनते हुए उनका पुनः स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय पशुराम। हेलो, शुरू किया जाए। बोले भगवान ना एकदम वर्षा के साथ नहीं है, बूंद बूंद के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में ऐ मेरे ब्रह्म समाज ऐसा घूम जाओ, ऐसा झूम जाओ, ऐसे दिखाई पड़ो कि ये लोग आदिकाली उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से उत्पात किए हुए हुए ये सब उत्तर प्रदेश की सीमा से अपने आप बाहर चले जाए, इनका यहाँ पर नाम और निशान देने वाला कोई नहीं। अपने साथ लेकर के जाना, धनी गली घर जाकर मोहल्ले वाले
मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ पर उपस्थित सभी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, हमारी पार्टी से आपके क्षेत्र के सांसद, लोकप्रिय सांसद श्री अफजाल अंसारी जी, श्री नकुल दुबे जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, श्री विजय मिश्रा जी पूर्व मंत्री, श्री अरुण द्विवेदी जी, राजकुमार पांडे जी अधिवक्ता हाईकोर्ट, श्री मनीष पांडे जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, माननीय महंत डॉक्टर देशचंद भारद्वाज जी, माननीय अनु पाठक जी, माननीय धर्मेंद्र मिश्र जी, डॉक्टर विजय प्रताप जी पूर्व एमएलसी एवं सेक्टर प्रभारी वाराणसी मंडल, माननीय अमरजीत गौतम जी मुख्य सेक्टर प्रभारी, रामचंद्र गौतम जी मुख्य सेक्टर प्रभारी, रामनाथ दुबे जी, उमेश तिवारी जी, अजय कुमार भारती जी जिला अध्यक्ष, गोपाल पांडे जी, सुरेश उपाध्याय जी, राहुल पांडे जी एडवोकेट, अभय कुमार चौबे जी तथा श्री विजय प्रताप जी और यहाँ पर मौजूद हमारे मीडिया के साथी भाइयों, ये हम लोगों के आज जो आपके बीच में हम आए हैं, जो बहुत समाज की गोष्ठी चल रही है, विचार गोष्ठी चल रही है, ये 33वां जिला, कल हम लोग जब मिर्जापुर और सोनभद्र करके आए थे तो 32 जिले हो गए और 33वां जिला आपका, और इसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे आजमगढ़, आजमगढ़ की जो सभा है वो हमारी 34वीं जिला होगा। और हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जब तक पूरे 75 जिलों में जा करके, और ये गोष्ठी हम लोग लगातार कम नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है, उसके बाद ही रुकने का काम करेंगे और आगे की रणनीति बनाने का काम करेंगे। भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जो अराजकता फैली हुई है, जिस तरह से लोगों को दहशत में रखने का काम, डराने का, धमकाने का, और एक नया तरीका कि अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके पीछे हो जाओ और उसको इतना प्रताड़ित करने का काम करो कि वो बोलने लायक ना रह जाए, ये जो इस तरह की सोच की सरकार चल रही है, अब इसको उठा फेंकने का वक्त आ गया है। ब्राह्मण समाज और दलित समाज, इनके ऊपर जिस तरीके से पिछले 4.5 वर्षों से ये सरकार इनके ऊपर हमलावर है, जिस तरीके से इनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, जिस तरह से समाज के लोगों को उनकी हत्याएं हो रही हैं, एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, गोलियों से भूल दिए जाते हैं, सरकारी गोलियों से मारे जा रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है और ये इनकी सोच दिखाता है कि ये जो सरकार है ये कितनी ब्रह्मद्रोही है। और ब्राह्मणों की दोही के साथ साथ में दलितों की तो दोही पहले से ही रही, तो उन्होंने बहुत पहले से अपना कह रखा, दिखा दिया, जब जब इनकी सरकार आती है या समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ये लोग दलित समाज के लोगों के साथ में और ब्राह्मण समाज के साथ में जिस तरह का उत्पीड़न करते रहे, उस तरह से जिस तरह समाजवादी पार्टी करती रही है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है। किस तरीके से 2017 में जब ये सरकार आई थी, आते ही इन्होंने अपना बता दिया था कि इरादा क्या है, रायबरेली के 5-5 ब्राह्मण समाज के नौजवान साथियों को उनके हाथ काटे, पैर काटे, उस पर भी इनको जब चैन नहीं मिला तो उसके बाद उनको गाड़ी में डाल करके जलाने का काम किया गया, उनकी घर जला दिए गए और मंत्री कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कमीना मंत्री उसी के तुरंत बाद कहते हैं, अपना बयान देते हैं
ये तो ब्राह्मण समाज के दुर्दांत अपराधी लोग थे, इनका तो ये हर्ष होना ही चाहिए था और हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इनके लिए कोई परेशानी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जब उनके घर में गए, उन्होंने सोचा कि ये तो बड़े भारी अपराधी है और इनके पास तो बड़ा पैसा होगा, दौलत होगी, बड़ा सा घर होगा, लेकिन वहां तो 10x10 की झोपड़ी थी और झोपड़ी में रहते थे वो लोग। उस झोपड़ी को भी जलाने का काम किया, बस सिर्फ फर्क ये था कि वो लोग ब्राह्मण समाज के मुखर व्यक्ति लोग थे, नौजवान थे और लोगों के बीच में उठना बैठना का काम करते थे, लोगों का काम भी देखते। इसी प्रकार से जो शुरुआत की उन्होंने वो आगे बढ़ते गए, समाजवादी पार्टी की नकल करते हुए इन्होंने भी सोचा कि हम ब्राह्मण समाज के ऊपर उत्पीड़न जितना करेंगे उतना ही हमारा नाम होगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में आप सभी लोगों को याद होगा, कैसे नीरज मिश्रा नाम का नौजवान साथी जो कन्नौज का था, उसको उससे नाराज हो गए और इतना नाराज हो गए कि उसका सर कटवा करके और कहा कि लखनऊ में हम दर्शन करना चाहेंगे और वो फिर लखनऊ में जा गया। वहां पर उसका शरीर एक कुएं में पड़ा मिला, सब अखबारों में फोटो में निकला, लेकिन से उसकी माँ बिलक बिलक करके उसे वही दान दे दी और उसका सर लेकर के लखनऊ पहुंचे दिखाने के लिए। वो सरकार जो समाजवादी पार्टी में कार्य किए लोगों के साथ में, दलितों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में, जैसे समाजवादी पार्टी ने अपमान करने का काम किया, जो लोग उनके साथ में जुड़े उनको पहले तो वोट लेने के लिए तो जोड़ने का काम किया और उसके बाद अपमान करने का काम किया, अपमान करके बाहर निकालने का भी रास्ता दिखाने का काम किया। श्री राधा राम पांडे जी सभी लोग जानते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक अपने आप को कहते थे, लेकिन 2012 और 17 के बीच में जब सरकार आई और जब ब्राह्मणों के बारे में मीडिया में भी छपिया अखबार में उनका बयान मुखिया का और मुख्यमंत्री का कि ब्राह्मण समाज का कोई काम नहीं करना है, इनको सबक सिखाना है, उसके विरोध में जब राजा राम पांडे जी ने आवाज उठा दी तो उनको इतना बेइज्जत किया कि उनकी मंत्रालय भी ले लिया, उनका घर भी छीन लिया और उनको घर छीनने के बाद उनको अपने घर से बेइज्जती करके निकालने का काम किया। इतना दुखी हुए, इतना लज्जित हुए, क्योंकि सबके सामने किया था, मीडिया के सामने किया था कि घर जाते जाते उनका हार्ट अटैक हुआ और हृदय उनका रुक गया और उनकी मौत हो गई। किसी के साथ में भी पहले तो जोड़ा कि आइए अपना वोट दे दीजिए, हम सरकार बना लेंगे और उसके बाद उनको निकाल करके फेंकने का काम, बेइज्जत करने का काम। ऐसे ही नहीं, श्री विजय मिश्रा जी हमारे साथ में बैठे हैं यहां पर, विजय मिश्रा जी को पहले जोड़ा, इनके परिवार वालों को जोड़ा और कहा कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ में आ जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा। इन्होंने जो कर सकते थे किया, लेकिन उसके बाद जब इनको असलियत मालूम हुई और असली चेहरा उनका सामने आया और देखा कि ब्राह्मण विरोधी किस तरह के ये लोग हैं, तो इन्होंने एक निर्णय उनके मुंह पर फेंकने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम आपका ये जो फल दिया है इसको भी छोड़ते हैं और अपनी पार्टी भी छोड़ते हैं और फिर हमारे साथ भी होगा। आज क्या हो रहा है, आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये ठीक उसी प्रकार से चल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज और दलित समाज को इन्होंने आतंकित कर रखा, किस तरीके से उनके ऊपर हमलावर हो रहा है। एक कानपुर का कांड होता कांड, उसके अलावा गोरखपुर में एक सीनियर अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, मुखर थे, बहुत मुखर थे, खुल के बोलते थे, डरते नहीं थे, दबते नहीं थे और इनकी जो क्रियाकलाप थे उसका उजागर करने का काम करते थे। उनको गोलियों से भून दिया गया, लखनऊ में मार दिया गया ब्राह्मण समाज का अधिवक्ता, इसलिए क्योंकि वो इनके लिए खुला विरोध करने का काम करते थे। इलाहाबाद में प्रयागराज में 5-5 लोगों को मार दिया। इतना ही नहीं, मिर्जापुर में रिटायर्ड कर्नल, उनके 3-3 बच्चों को, उन दोनों भाई जो थे वो आर्मी में थे और उनके बच्चों को मार दिया गया, उनकी आंख निकाल दी गई। उन्होंने जब वहां के पूरा जिला खड़ा हो गया कि कुछ FIR को दर्ज कर लो
समय पाया, बड़ी मुश्किल से दर्ज की गई क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से हत्या कराई है और उसके बाद कहा कि अच्छा सीबीआई की इंक्वायरी हम करा देंगे, लेकिन आज तक सीबीआई की इंक्वायरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्हीं के गुर्गे जो है, जो उनके गुर्गे पाले हुए लोग हैं वो लोग उसमें शामिल थे, उनकी शहर से शामिल होते हैं, इसलिए सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हुई और वो लोग अदालत में मुकदमा रहा। कितने किस्से आपको, कानपुर में एक काम, एक काम होता है और भिक्रू कांड उसके तहत में कितने ब्राह्मण समाज के लोगों को पीड़न हुआ, एक दो हो उन्होंने तीन तीन लोगों को तो गोलियों से फूट दिया, 17.5 साल के लड़के को मार दी गोली और छह गोली मार करके उसको ढेर कर दिया, हरियाणा से उठा के लाए और इटावा के पास कर दिया, गाड़ी पलट गई और गोलियों से मार दिया, कितने लोगों की हत्याएं कर दी। कानपुर में लखनऊ में जाकर के राकेश पांडे नाम का व्यक्ति, वो अपने माता पिता की देखभाल कर रहा था कोरोना में, वहां मौजूद भी नहीं था कानपुर में कहीं पर दूर दूर तक, लेकिन उसका नाम भी उसको छोड़ दिया और उसको लेने उठा करके और लखनऊ के कंटोनमेंट में खुलेआम उसको गोली मार दी। निर्मल तिवारी, विनय तिवारी लखनऊ में घर से उठा करके ले जा करके गोली मारने का काम किया, विनय तिवारी को गाड़ी घोट करके सिर्फ नाम पूछा और जैसे ही कहा उसने कि विनय तिवारी का ये सब कानपुर वाले हैं, उसी से मेरे जो है इनको भी गोली मार दो, उनको भी गोली मारने का काम कर दिया और उसी समय मार के खत्म कर दिया। गाजियाबाद, नोएडा, हर जगह खाली ब्राह्मण समाज के ऊपर या तो हत्या या तो इनकाउंटर, बाकी लोग उनकी शहर से घर में बैठे हैं सुरक्षित हैं। महुआ में, महुआ में व्यापारी ब्राह्मण समाज का था, बड़ा व्यापारी था, वो लोगों के बीच में उठने बैठने वाला व्यापारी था और लोगों का बहुत काम करते थे ब्राह्मण समाज के लिए, खासतौर से दलित समाज के बीच में उनसे ज्यादा लोग चाहते नहीं थे जितना उसको चाहते, लेकिन उसको रोकने का काम हुआ, रुका नहीं रोकने कामों में तो उसको गाड़ी में बैठा करके और उसकी गोली से हत्या कर दी, अधिकारी को आगे गोली मारी गई और कहा गया इसने तो आप हत्या कर दी, जब अखबारों में हल्ला हुआ कि इसको क्यों मार दिया गया तो बोले नहीं इसने तो आप हत्या की है। बाद में जब टेलीफोन की रिकॉर्डिंग सामने आई उससे साफ जाहिर हो गया कि ये तो आप हत्या नहीं, ये तो हत्या हुई है उसकी, जिंदा ने हत्या की गई है, तो अधिकारी से कहा कि अब तुम यहां से ग्रह छोड़ करके और तुरंत भाग जाओ, प्रदेश छोड़ दो और हमारी अपनी चिंता मत करो, बस प्रदेश से बाहर रहना और जब मामला ठंडा हो जाएगा हम तुमको वापस बुला देंगे। साल भर हो गया अभी तक उस अधिकारी को पता ठिकाना नहीं है। बिक्रू कांड में उसका फायदा उठाते हुए ये निर्देश दिया कि जितने भी मजबूत किस्म के ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो भी थोड़ा मजबूत है और कानपुर के इर्द गिर्द कहीं भी रहते हो, चाहे वो ना हो, फरक्काबाद हो, कन्नौज हो, हरदोई हो, इटावा हो, औरैया हो, जहां भी हो उनको उठा लो, लखनऊ का उठा लो और उठा करके या तो उनको ठिकाने लगा लो, नहीं ठिकाने लगा पा रहे हो तो फिर ऐसा करो कि उनके ऊपर यही धाराएं लगा दो कि उनको जेल के अंदर बंद कर दो, ये 10-20 साल तक बाहर निकल जा रहा है। 50 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग कानपुर के उस कांड में उसके तहत में आज भी जेल की सलाखों के पीछे और इतनी धाराएं लगा दी गई हैं जिससे कि वो बाहर ना निकल। इनको तो छोड़िए, इन्होंने तो 16.5 साल की लड़की को भी नहीं छोड़ा, खुशी दुबे वो तो एक दिन पहले शादी होकर के आई थी, सिर्फ एक दिन पहले 1930 तारीख को जून को शादी होती है, 2 तारीख को ये किस्सा होता है, पहली तारीख उसका पहला दिन था घर में अपने ससुराल में, उसी मेहंदियां भी नहीं छूटी थी, मेहंदी भी नहीं छूटी थी यहाँ की और उसको उठा लेकर जब हल्ला हुआ कि वो लड़की कहाँ गई जिसकी शादी हुई थी, उसके पति को तो गोलियों से मार दिया, तो वो लड़की कहाँ है, तब पता लगा कि 7 दिन बाद उसको जेल में जेल में हमने बंद कर दिया है। 7 दिन में कहां रखा, उसके साथ क्या किया, कहां ले गए, कुछ नहीं। उसके बाद 3 महीने तक उसको जेल में बंद रखा और 3 महीने जेल में बंद रखने के बाद फिर उसके बाद जब मालूम पड़ा कि ये तो 16.5 साल की लड़की है, नाबालिग है, तो उसको रिमांड होम में बाराबंकी के रिमांड होम में भेजा जहां पर 47 लड़कियां पहले से रह रही थी, 2 कमरों का मकान, 2 कमरों में 47 लड़कियां और ये 48 की लड़की वहां रखी गई।
भीड़ बकरी भी नहीं रह सकती दो कमरों में 48, लेकिन वहां पर इन लड़कियों को इन्होंने कैद कर रखा। और उसके बाद जब कोरोना के दौरान उसकी तबीयत खराब हुई और उसको जो डॉक्टर देख रहा था उसने कहा कि वो मर सकती है और इसका इलाज हॉस्पिटल में होना चाहिए, इसको पैरोल मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, आदेश आया इसी हालत में खुशी दुबे को पैरोल या बेल नहीं मिलनी चाहिए, जेल में मरती है तो मर जाए लेकिन इसको पैरोल नहीं मिल जाएगी। उसके बाद उसकी बेल लगी, जब बेल लगी तो ये लगा कि अब तो अदालत को बेल नहीं देगी, इससे दे देगी उच्च न्यायालय में मामला गया कि अब तो बेल दे देगी क्योंकि ये तो नाबालिग है और इससे तो कुछ किया नहीं था, सिर्फ धर्म में शादी होती रहेगी तो इसका क्या दोष है। तो लेकिन जो निर्देश था कि कुछ भी होता है इसको जेल से नहीं निकलना चाहिए बाहर, इसके लिए जो भी करना पड़े करो, तो फर्जी रिपोर्ट करवाई गई। वहां की एक जो जेल अधीक्षिका थी उससे फर्जी रिपोर्ट बनाई और उसने रिपोर्ट में लिखा कि ये 47 लड़कियों ने कंप्लेंट की है और कहा है कि अगर खुशी दुबे कह रही है कि अगर हमारी बेल हो जाएगी, जिस दिन हमारी बेल हो जाएगी और हम बाहर निकलेंगे तो हम इस प्रदेश की सबसे बड़ी दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे, और इसलिए ये कहते हुए उसकी बेल रुकवाने का काम किया, खारिज कराने का काम किया, क्योंकि वो तो कह रही है कि हम बहुत बड़ी अपराधी बन जाएंगे। इतना ही नहीं, दोनों महिलाओं को उठा करके ले गए घर से, उन दोनों के पतियों को मार दिया, उन महिलाओं को उठा कर ले गए और जेल में बंद कर दिया, आज भी जेल में बंद है। उनमें से तो एक घर में काम करने वाली महिला थी, उसको भी नहीं छोड़ा, और उसके साथ तो छोड़िए उसको तो नहीं छोड़ा, उसके साथ में उसका 3 साल का लड़का और 6 साल की छोटी सी बच्ची, उसको भी जेल में उठा करके ले गए। और पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया, तो 1 साल 1 महीना हो गया, 2 महीने होने वाले हैं, 14 महीने होने वाले हैं, और उनको जेल में रखा गया। इतनी धारणाएं लगा दी गई है कि ये कहा गया है कि ये सुनिश्चित करना है हमको कि ये जो ब्राह्मण समाज के दोनों बच्चे वहां बंद है जेल में उसके साथ में माँ के साथ में, इनको 10-15 साल तो इतना रखो कि ये वहीं पर व्यस्त हो जाए और उसके बाद जेल से बाहर निकलने का काम करें। और इसीलिए कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई चार्जशीट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं, बस जेल में रखते हो, जेल में बंद रखो। इस तरह की ये सरकार चल रही है। आज दलित समाज को उसके ऊपर किस तरह से प्रहार कर रहे हैं ये भी आप लोगों से छिपा नहीं है, किस तरीके से बुलडोजर चला करके मकानों को गिराया जा रहा है, किस तरह से झोपड़ियों में अगर दलित समाज के लोग रह रहे हैं और उन्होंने उनको ये मालूम है कि उनके साथ नहीं आने वाले, उनको ये अच्छी तरह से मालूम है कि पूरी कोशिश करेंगी, हर तरह के प्रलोभन, हर तरह की धमकियां, सब कुछ लेकर के हार गए हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन उनको ये मालूम है कि दलित समाज के जो भाई बहन हैं वो एक पहाड़ की चट्टान की तरह बहन माए दीदी के साथ में खड़े हैं और वो कष्ट से मत रहे हैं। इस बात का अफसोस है, इतना हम इनको सब कुछ इनको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फिर भी ये हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। आपने भी देखा कि किस कदम गिरने का काम किया इन्होंने, हाथरस में जब हम लोगों की बेटी, एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ में दुराचार होता है, बलात्कार होता है, उसके बाद वो मर जाती है और मरने के बाद उसका शरीर उनके घर वालों को नहीं दिया जाता, मां रोती रही, भिड़कती रही, घर वाले रोते रहे कि दर्शन तो करा दो हमारी लड़की के, अंतिम संस्कार कर लेने दो, नहीं अंतिम संस्कार करने दे रहे हो तो कम से कम दिखा दो उनके पास, लेकिन नहीं, लखनऊ में बैठ करके मुखिया खुद देख रहे थे कि कैसे काम वहां हो रहा है, मीडिया के लोगों को, वहां के लोगों को कर्फ्यू लगा करके और पूरी पूरी एक दो नहीं सैकड़ों बटालियन लगा करके 2-2 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा के भगाया गया, घर वालों को सीटों के पीछे बंद कर दिया और बंद करके उसके बाद उन्होंने वहां पर उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। और जैसा निर्देश दिया गया वहां का जिला मजिस्ट्रेट रात भर खड़ा रहा, दिन भर खड़ा रहा वहां पर, और खड़े होकर के अपने सामने उससे पुलिस वालों से कह करके मिट्टी का तेल डलवा करके और उसको जलाने का काम किया। पूरा उत्तर हम लोग तो शर्मसार हुई, शक्ल दिखाने बैठने लगे पूरे देश में, विदेश में, पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार हुआ, पूरा देश शर्मसार हुआ ये देख करके। विदेशों का किसी चर्चा हुई कि ऐसा भी एक प्रदेश है जहां पर इस तरह का राज्य चलता है।
और ये राज्य कौन चला रहा, राज वो लोग चला रहे जो राम राज्य की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हम तो राम राज्य लाएंगे। क्या यही राज्य राम भगवान राम ने सोचा था कि होगा? क्या इस तरह का राज्य सोचने की किसी ने कल्पना की थी कि ये राम राज्य होगा? लेकिन इनका दिखाने के लिए कुछ होता है, कहने के लिए कुछ होता है और करने के लिए कुछ और होता है। इनके मुखौटा अलग होता है और चेहरा अलग होता है, और इसीलिए ये लोगों को बरगला करके, लोगों को बहला करके, लोगों को डरा के, धमका के, हर तरीके का अपना तरीका अपना करके और अपना खाली वोट सीधा करने का काम करते हैं, वोट लेने की बस खाली सोचते हैं। ये वोट भी भगवान राम के नाम पे लेते हैं, धर्म के नाम पे लेते हैं और नोट भी लेते हैं, और नोट लेने के बाद जिन लोगों ने वोट और नोट दिया है उन्हीं को चोट पहुंचाने का काम करते हैं। ये ऐसी सरकार आपने देखा किस प्रकार से हमको अयोध्या गए, हमने कार्यक्रम ही अपना अयोध्या से शुरू किया। आपकी बात 23 जुलाई को जो पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने का हमने कार्यक्रम बनाने का योजना बनाई, हमने उत्तर प्रदेश हमने अयोध्या से शुरू किया। अयोध्या में जाकर के पहले हमने रामलला के दर्शन किए और उनके दर्शन करके माता देखने के बाद हम आगे बढ़े। हम फिर हनुमान जी के दर्शन हमने किए, सरयू नदी में हमने जाकर के जलाभिषेक और दूध का अभिषेक किया। उसके बाद हम अपने कार्यक्रम में गए, और जब कार्यक्रम में गए जब तक हम तीनों जगह से निकले इतने प्रश्न इन लोगों ने मीडिया वालों से पूछवा लिए, इतने सवाल किए, हमने कहा इन सारे सवालों का जवाब हम अपने कार्यक्रम में बोलते समय देंगे। आप लोगों ने भी सुना हो, इन्होंने हमसे पूछा कि आप अयोध्या क्यों आए, आपका अयोध्या से क्या लेना देना, आपसे अयोध्या से क्या मतलब, अयोध्या तो हमारे ठेके में है। और हमसे मीडिया पूछा कि ये लोग पूछ रहे हैं आप अयोध्या क्या करने हैं, आप कहीं और से जाके कार्यक्रम करते अयोध्या क्यों कर रहे हैं। हमने कहा कि अयोध्या क्या, इन्होंने ठेके में ले लिया, कोई पट्टा ले लिया है तो पट्टा अगर ले लिया हो उसको सार्वजनिक कर दें और कहें कि यहाँ का पट्टा हमारे पास है और इससे हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता, या जिसको हम यहाँ आने का पास देंगे वो आ सकता है। हमने कहा हम तो ब्राह्मण समाज में जन्मे हुए व्यक्ति हैं, हमने तो जन्म ही ब्राह्मण समाज में लिया और हमारे तो संसार पैदा होने से हम लोगों के डाल दिए जाते हैं, हमारे अंदर भी डालेंगे कि हम लोगों को पूजा पाठ और हम लोगों को चाहे भगवान श्री राम की स्तुति हो, चाहे हनुमान जी की हनुमान चालीसा हो और उनकी स्तुतियां हो, भक्तन बाढ़ हो, जो भी हो वो सब लेकर के और भगवान शिव की स्तुति, दुर्गा माँ की सब शक्ति, ये सब तो रटा है बचपन में। और कहा जाता है कि घर से जब निकलोगे तो पहले ये पूजन पाठन करोगे और उसके बाद घर से बाहर कदम रखना, तो हम लोग यही करते आ रहे हैं। तो हम तो भगवान श्री राम के दर की पूजा पाठ तो रोज करते हैं, तो अगर हम भगवान राम के दर्शन करने आ गए तो आपको क्या परेशानी होगी? हम लोगों को तो जब तक जनेऊ होता है और जब तक उपनयन संस्कार होते होते तो 7 संस्कार उतार दिए जाते हैं और उसमें गायत्री मंत्र जरूर हम लोगों को उपनयन संस्कार में दिया जाता है और गायत्री मंत्र पढ़ने की इजाजत उसके बाद मिलती है। लेकिन हमें ये रोकना क्या कारण था, वो कुछ और कारण था और वो जब वहां गए तब पता चला, क्योंकि हम तो समझते थे कि अयोध्या में रोज आज भी बजट में आज कल बजट पास हुआ उसमें फिर अयोध्या के नाम से 300 करोड़ रुपए, अयोध्या के नाम से आपने 1000 करोड़ रुपए सरकार के धन निकाला है, वो रुपया कहाँ गया? हम तो सोच रहे थे कि जो 1000 करोड़ रुपया आपने सरकारी धन निकाला है तो अयोध्या तो वहां पर सोने की नगरी बन चुकी होगी। लेकिन जब अयोध्या में घूमे पूरे शहर में तो अयोध्या में तो हमें कुछ भी नहीं दिखा। आप किसी भी छोटे से छोटा जिला आप ले लीजिए, आपका तो बहुत अच्छा माना जाएगा अयोध्या के सामने, आप कहीं भी चले जो आपको लगता है बहुत खराब जिला है उसके बाद अयोध्या जाइए तो वो खराब जिला भी आपको अच्छा लगेगा। इतना वहां पर हाल बेहाल कोई कार नहीं हुआ अयोध्या में, कोई भी दिखे कि अयोध्या बहुत बड़ा कार हो गया। सरयू नदी में जो घाट बने हैं, हम तो सरयू नदी भी गए क्योंकि पहले भी गए, हमने वहां घाट बनवाए थे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब थी तो वहां घाट बनाए गए थे, बस वही घाट बने हुए, उसके अलावा तो वहां कोई काम नहीं हुआ। कोई कार्यक्रम इनका होता तो जरूर 250-300 करोड़ रुपए खर्चा हो जाते हैं, जैसे कल के बजट में
500 करोड़ रुपए फिर से दे दिए गए प्रचार प्रसार के लिए। हर महीने 300 करोड़ रुपए बचा होगा प्रचार प्रसार, स्कूलों के लिए, बिल्डिंगों के लिए, अयोध्या के लिए पैसा निकलता है, वो कहां जाता है किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक चीज और देखने को मिली अयोध्या में कि हमने तो सोचा कि हम आ रहे हैं चलो मंदिर के दर्शन करेंगे, अब तो मंदिर बनना शुरू हो गया और बनने वाला होगा, क्योंकि डेढ़ साल पहले जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया इनका तो उसमें कोई योगदान नहीं था, ये तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जमीन मिली है, इन्होंने तो कोई ये चाहते तो कोई भी कानून पारित कर सकते थे, ये तो यहां भी उत्तर प्रदेश में भी थे, केंद्र में भी थे, 5 वर्षों से थे, पर इन्होंने नहीं किया। किसानों के लिए कानून पारित कर सकते हैं और चीजों में कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में नहीं किया। क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि मंदिर बन जाए, जिससे मंदिर बन जाए या जमीन भी नहीं चाहते थे, इनको तो बहुत बड़ा अफसोस हुआ। सबसे ज्यादा अगर देखा होगा आप लोग चेहरा किसी का लटका हुआ था जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और इनके और संस्थाएं उनके लोगों का, क्योंकि उनको लगा ये क्या हो गया, ये निर्णय आ गया, हमारे पास तो बचा ही नहीं होगा। फिर एकदम से ध्यान आया तो मंदिर बनना, चलो मंदिर का मुद्दा लेके चलते हैं। आपने देखा 1.5 वर्ष हो गया, आप भी सोच रहे होंगे अयोध्या में तो मंदिर बहुत तेजी से बन रहा होगा, 1.5 वर्ष हम भी यही सोच रहे थे, 1.5 वर्ष हो गए, 1.5 वर्ष में इन्होंने क्या काम किया वहां पर, अभी जमीन खोदनी भी शुरू नहीं की है, न्यू तो छोड़िए बनाने का काम, न्यू बनाने की शुरुआत भी नहीं हुई अभी, मंदिर तो दूर दूर तक अभी नहीं है, और ये तो खाली कहने पर के लिए मंदिर बनाने की बात करते हैं, मंदिर का तो आस पास नहीं रहता पता ठिकाना भी नहीं। 1.5 वर्षों में इन्होंने खाली रुपया इकट्ठा करने का काम किया, और वही सवाल हमने अयोध्या में खड़े होकर के इनसे किया, हमने कहा सन 93 से आप रुपया इकट्ठा कर रहे हो मंदिर के नाम पे, लाखों करोड़ रुपए आपने खुद बताया एक बार कि 90,000 करोड़ रुपया इकट्ठा हो चुका है, तो अभी और चाहिए उनको, हमको इतना रुपया चाहिए, और आपने पूरा देश विदेश पता नहीं कहां कहां से रुपया मंगा करके इकट्ठा किया, और वो रुपया आखिर कहां गया, क्योंकि जैसे ही जमीन मिली आपने फिर से लोगों को छोला लेके भेज दिया, अपनी संस्थाओं के लोगों को भेज दिया, कहा कि अब जाओ घर घर फिर से, और सबसे कहो कि राम के नाम पे इसमें पैसा डाल दे, हमको मंदिर बनाना है इसमें पैसा डाल दीजिए, और एक दो नहीं 10,000 करोड़ के ऊपर आपने दोबारा इकट्ठा कर लिया एक साल में, तो ये सब रुपया कहां गया, ये कहां जा रहा है, जब मंदिर नहीं बन रहा है तो ये रुपया कहां जा रहा है। 5 अगस्त 2020 को अगर कुछ करने का काम किया था इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ 5 ईंटों का पूजन किया था, हम लोग समझ रहे थे भूमि पूजन हो रहा है, न्यू पूजन हो रहा है, इतनी शान शौकत से 2-250 करोड़ रुपया खर्च करके पूरा एक माहौल बना करके पूजन हो रहा था, और किस चीज का पूजन हो रहा था, ईंटों का पूजन हो रहा था, और वो भी ऐसे दिन हो रहा था जहां पूरे देश के जो जोशी लोग हैं, जो पत्रा देख रहे हैं, उन सब लोगों ने कहा जो वेद पुराण के बारे में जानते हैं कि ये दिन उचित नहीं है, इस दिन पूजा मत करिए, इस दिन ईट पूजन के लिए अच्छा दिन नहीं है, लेकिन नहीं माने, क्योंकि उनको वो दिन अच्छा लग रहा था, इसलिए उसी दिन ईट पूजन होना, ईंटों का पूजन करके वो ईंट कहां चले गए ये किसी को नहीं माने, तो ये वो लोग हैं जो कि धर्म के नाम पे खाली वोट लेना जानते हैं, और वोट लेकर के उसके बाद आपको आपके साथ में क्या करते हैं ये आपके सामने है। इस 5 अगस्त को एक साथ पूरे हो गए थे ईंट पूजन के, हम लोग सोच रहे थे कि फिर से बड़ा भारी कार्यक्रम होगा, लेकिन चूंकि हम वहां पर होके आ गए थे तो भोगे में तो नहीं रह सकते थे कि ऐसा ये जो है हम यहाँ पर मंदिर बना रहे हैं, तो इसलिए एक लकड़ी का मंदिर बना करके रख दिया गया, और उसके सामने तस्वीर खिंचवाई गई माननीय मुख्यमंत्री जी की कि देखिए मंदिर की पूजा कर रहे हैं, मंदिर की पूजा हो रही थी, कौन से मंदिर की, एक उसका प्रतीक बना के लकड़ी का, और वो इनका कार्य पूरा हो गया। तो इस तरह के लोग ब्राह्मण समाज को ये जानना चाहिए कि ये आपका वोट तो इस्लाम से ले लेते हैं, लेकिन ये करते क्या, और ठीक इसके वकील बहन मार दीजिए,
ये भी जानना जरूरी है 2007 से 12 के बीच में जब बहुजन समाज पार्टी सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत की, याद करिए उसके पहले क्या हाल था ब्राह्मणों का, याद करिए ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी। 2002 में ब्राह्मण समाज के लोग शून्य पर पहुंच गए, इसी तरह का उत्पीड़न हो रहा था, कहीं सर काटा जा रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं इसी तरह का उत्पात हो रहा था, लूट डकैती फिरौती, ये तो समाजवादी पार्टी के तो जैसे ही आती है वैसे कुछ शुरू हो ही जाता है। लेकिन किस तरह से महिलाएं असुरक्षित थी, बलात्कार हो रहे थे, जैसे इस समय हो रहे हैं, हर दो घंटे में एक महिला का बलात्कार आजकल हो रहा, कितने शर्म की बात है। यही राम राज्य जहां पर महिलाएं इतनी असुरक्षित है। लेकिन याद करिए वो समय भी जब इनको खा फेंकने की तैयारी आप लोगों ने की थी, जब इन्हीं के तरह के जो सरकार चल रही थी समाजवादी पार्टी की, और वो भी सरकार किसने बनवाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में बनवाई थी समर्थन देकर के, कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया था, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर उस दिन अपनी सरकार बनाई थी जो चल रही थी, और उस सरकार को चलते हुए जिस तरह से मंजर था सबने देखा था, तब ब्राह्मण समाज के बीच में हम उस समय भी निकले थे, आपके यहाँ भी आए थे, हर जिले में गए थे, आपके जिले में भी आए थे, और ब्राह्मण समाज से हमने बहुत सी बातें की, क्योंकि हमसे कह रहे थे कि ब्राह्मण समाज को अब कहीं नहीं रह गया, कुछ करना चाहिए। तो जब हमें पर जिम्मेदारी दी गई और बहन मान जी ने कहा ठीक है आप जो उचित समझते हैं करने का काम करिए अपने समाज के लिए, और हमारी तरफ से आपको उम्मीद थी, तो हम ब्राह्मण समाज के बीच में आए थे और हमने उनसे ये बातें कुछ कही थी, उनमें से एक दो बातें आज भी लागू होती हैं और वो मैं दोहराना चाहता हूँ। हमने कहा था कि आप क्यों ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां से 5 ब्राह्मण समाज के लोग विधानसभा में हो और उसमें से 2 या 3 बहुजन समाज पार्टी के थे, और इतना उत्पीड़न हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग आपस में बटे हुए, आप लोग इकट्ठा नहीं होते, एकजुट नहीं होते, एक साथ जिस दिन हो जाएंगे तो आप अपनी ताकतों का पहचानेंगे। उत्तर प्रदेश में आप 16% है, 16% 25 करोड़ में आप समझ लीजिए कि आप 3 करोड़ के ऊपर लोग, और जब 3 करोड़ लोग हो और वहां पर ऐसी दशा हो जो आज भी ऐसी दशा है, इसके कारण तो कुछ हम ही लोग होंगे और हम ही लोग जिम्मेदार होंगे। और हमने कहा ऐसी आप अपनी एकता बनाइए, पहले एकजुट होइए, एक साथ होइए, आपस का बंटवारा खत्म करिए, आपस में ही भिड़े रहते हैं कि हमको 20 बिस्माएं 16 बिस्माएं 12 बिस्माएं, हम कानपुर के ब्राह्मण हैं, संजूपाली ब्राह्मण हैं, सनात के ब्राह्मण हैं, ये सब छोड़ करके अपने आप को ब्राह्मण के नाम से जानने का काम करिए। जिस दिन ब्राह्मण के नाम से जानेंगे उसी दिन आप 16% हो जाएंगे, और जब 16% हो जाएंगे तो आपकी तरफ हम लोग देखने के लिए मजबूर। लेकिन एक बात हम लोग सिर्फ 16% इकट्ठा होने से आपका काम नहीं बनेगा, आपको 16% में एक भी सीट नहीं जीत सकते, ये ध्यान रखना चाहिए। और आपको बुद्धिजीवी है, और बुद्धिजीवी कहलाते हैं, बुद्धिजीवी है भी, तो बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जरा चीजों का आप आकलन करिए, और जब आकलन करेंगे तो देखेंगे 30% के ऊपर वोट चाहिए होता है जीतने के लिए कम से कम। और इसीलिए हमने कहा था भाईचारा बनाइए, और भाईचारा किसके साथ बनाइए? सबसे पहले हमने कहा भाईचारा बनाइए, आप 23% जो हमारे दलित समाज के भाई बहन जो बहन माए दीदी के साथ में पीछे खड़े हुए इकट्ठा होकर के उनके साथ में भाईचारा बनाइए, और जब उनके साथ में आप भाईचारा बनाइए तो 23% और 16% अकेले मिलकर के 40% के करीब हो जाते हैं, और फिर वो 23% जो है उनके साथ में पहले से ही अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोग पहले से ही जुड़े हुए। तो सोचिए कि आपने जैसे ही भाईचारा बनाया इन 23% के साथ में, तो आप पूरी सीटों पर हर सीटों पर भारी पड़ने का काम करें। लोगों ने भाईचारा बनाया और सही माने भाईचारा बनाया, हर जगह दोनों लोगों ने मिल करके भाईचारा बना करके एक पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में एक संदेश भेजा, बल्कि विदेशों में भी इस पर शोध हो रहा था कि ये भाईचारा जो बना था उत्तर प्रदेश में, ये क्या, इसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे दिया गया।
इसमें तो पीएचडी की थीसिस लिखी जाती थी कि बहन मायावती जी की जो सरकार बनी थी भाईचारे के तहत, उसमें ब्राह्मण समाज ने क्या योगदान दिया था और कितना बड़ा योगदान दिया था। लेकिन अगर आप इकट्ठा हुए थे, एक साथ हुए थे, एकजुट हुए थे, तो बहन मायावती जी भी पीछे नहीं हटी थी। इनकी तरह नहीं कि खाली वोट ले लिया और फिर गोली खाओ। बहन मायावती जी ने, आप लोगों को याद होगा, यहाँ भ्रमाय मंच पर बैठे सब लोग, ये लोग भी थे वहां उस दिन 9 जून 2005 को, जब हमने अपना आखिरी कार्यक्रम उस समय तो हम कर रहे थे लखनऊ में किया था जाके डॉक्टर अम्बेडकर मैदान में। लगभग 5 लाख ब्राह्मण समाज के लोग वहां इकट्ठा हुए थे। 11,000 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों ने शंखनाद करते हुए बहन मायावती जी का स्वागत किया था, वो मुख्य अतिथि के रूप में। और उन्होंने जब बोलना शुरू किया, उसके पहले हमने उनको भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा दी थी और उस प्रतिमा को लेकर के वो सीधे मंच पर चली गई थी और माइक पर जाकर के उन्होंने कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये कहकर के उन्होंने अपनी बात सुनी थी। और ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके उन्होंने उस दिन अपनी पार्टी का पुराना नारा बदल दिया कि जिसकी जितनी संख्या वाली उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस नारे को बदल दिया। उन्होंने नया नारा दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और ये करते हुए उन्होंने ब्राह्मण समाज को बढ़ चढ़ करके चुनाव लड़ाने का काम किया, जहां 40 सीटों में लड़े थे 85 सीटों में लड़ने का काम किया। और चूंकि भाईचारा बन गया था और भाईचारा बनने की वजह से जहां 3 लोग ब्राह्मण समाज से जीते थे, वहां 3 से बढ़कर 45 लोग जीत करके गए थे। और 45 लोग जीतने का काम किया था श्री नकुल दुबे जी भी उनमें से हैं और जो हमारे संयोजक पांडे जी हैं, इनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय पिताजी वो भी जो थे उसी में जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे और आप लोगों ने पहुंचाने का उनको काम किया मनीष पांडे जी के भाई। और उस समय 45 लोग जब जीत के गए थे तो खाली एक तरफा नहीं हुआ था, ब्राह्मण समाज ने भी जो रिजर्व सीटें थी, सुरक्षित सीटें थी, उस पर अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। उन्होंने भी तन मन धन से वहां पर अपना वोट डालने का काम किया और उसी का नतीजा निकला था कि जहां 16 सीट जीते थे हम लोग, इसके पहले रिजर्व सीटों में सुरक्षित सीटों पर जब 2007 का नतीजा निकला तो 62 सीटों पर जीते थे। 62 सीट पर जीत करके और हम लोगों ने विधानसभा में पहुंचाने का काम अपने भाइयों बहनों को किया। फिर बहन मायावती जी ने भी, उन्होंने जो वादा किया था कि अगर ब्राह्मण समाज हमारे साथ में है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि ब्राह्मण समाज का ये खोया हुआ मान सम्मान हम वापस लौटाने का काम करेंगे। तो उन्होंने बढ़ चढ़ करके जहां सर्व समाज को उन्होंने सब कुछ देने का काम किया, क्योंकि सब जन हिताय सब जन सुखाय की सरकार चलती है जब बहुजन समाज पार्टी की होती और सभी को उच्च स्थान मिलता है, हर जाति हर वर्ग हर धर्म के लोगों को। लेकिन ब्राह्मण समाज ने चूंकि एकजुटता दिखाई थी और बहन मायावती जी के साथ में खड़े हो गए, तो उन्होंने आगे बढ़ करके उनका मान सम्मान और स्वाभिमान लौटाने के लिए इतना आगे बढ़ गई थी जितना कि हमने भी उम्मीद नहीं की। उन्होंने एक दो नहीं 15-15 मंत्री ब्राह्मण समाज के कैबिनेट मंत्रालय देने का काम किया बहुजन समाज पार्टी में जो सरकार बनी थी। 35 से ज्यादा लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे करके उन्होंने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया ब्राह्मण समाज के लोगों को। 1 दर्जन से ज्यादा एजेंसी ब्राह्मण समाज के बनाए, ब्राह्मण समाज का उन्होंने अध्यक्ष विधान परिषद का ब्राह्मण समाज का बनाया, महाधिवक्ता ब्राह्मण समाज, DGP ब्राह्मण समाज, चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण समाज, एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी ब्राह्मण समाज, लॉ सेक्रेटरी ब्राह्मण समाज, और इतना ही नहीं 5,000 से ज्यादा सरकारी वकीलों को उन्होंने उच्च न्यायालय से लेकर के और नीचे अदालतों में जितनी थी उसमें 5,000 से ज्यादा सरकारी वकील ब्राह्मण समाज से बनाए और उनका उन्होंने मानदेय भी बढ़ाने का काम किया। उन्होंने 1/2 दर्जन लोगों को लोकसभा में भेजने का काम किया समाज, उन्होंने राज्यसभा में हमको अपनी पार्टी का नेता बनाया, उन्होंने लोकसभा में भी उप नेता ब्राह्मण समाज का बनाने का काम किया। आज के दोस्तों ब्राह्मण समाज का ही व्यक्ति राकेश पांडे इस समय लोकसभा में भी हमारी पार्टी के नेता है, मायावती जी ने बनाने का काम किया। इतना ही नहीं, चाहे अधिकारी हो और चाहे नीचे के और भी कोई भी पद हो, हर जगह उन्होंने उनको भागीदारी देने का काम किया और बढ़ चढ़ के देने का काम किया। ब्राह्मण समाज का जो खोया हुआ मान सम्मान था और स्वाभिमान को
स्वाभिमान रूप करके कहे उसको दिलाने का काम है। लेकिन क्या हुआ कि वही हम लोग बहक गए और बहकने के बाद नतीजा क्या आया कि झूठे वादे 15 लाख हरे की झोली में डाल देंगे, 15 लाख हरे के खाते में पहुंच जाएगा। लोगों ने कहा इससे अच्छी तो पार्टी हो ही नहीं सकती जो 15 लाख दे रही। एक नया पैसा भी नहीं मिला, अब तो इतने वर्ष हो गए। 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे हम नौजवानों को, हर साल देंगे 2 करोड़ नौकरी। पढ़ा लिखा नौजवान जो सड़कों में घूम रहा परेशान है और पढ़ लिख करके जिनके माता पिता ने PhD और ये डिग्रियां दिलाई है, उससे सोचा कि चलो हम और उनके माता पिता भी कि हम किस पार्टी के साथ में खड़े होते हैं, ये तो हमको 2 करोड़ नौकरियां दिलाने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने नौकरियां तो नहीं दिलाई बल्कि नौकरियां छीनने का काम किया। जितने भी सार्वजनिक उपक्रम थे, चाहे वो SEL हो, चाहे वो NGC हो, चाहे वो रेलवे हो और चाहे वो गैस अथॉरिटी हो, चाहे वो आज के लोग तो बैंकों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने सब जो है अपने चुनिंदा 2-4 लोगों के उद्योगपति हैं जो कि सारा धन उनको देते हैं चुनाव होने के लिए, उनको देने का काम किया और उनको देकर के उनको यहाँ पे सौंप दिया। तो ये जहां पर नौकरियां मिलती थी नौकरियां मिलना बंद हो गई, तो 1.5 से 2 करोड़ नौकरी हर साल खत्म होने का काम हुआ। इसके पहले रोजगार खत्म कर दिया, छोटे छोटे कारखाने बंद करा दिए। क्यों? क्योंकि नोटबंदी लागू कर दी, नोटबंदी फिर GST एक के बाद एक प्रहार करते गए, वोट तो ले लिया और जब नौजवानों ने फिर आवाज उठाना शुरू किया कि आखिर ये हमारे साथ धोखा क्यों हुआ, तो कहते हैं कि वो तो जुमला था 15 लाख वाला और इसमें हमने नौकरी का वादा जरूर किया था लेकिन हम आपको नहीं दे सकते, अब आप कुछ और करिए। उन्होंने पूछा हम क्या करें, तो कहते हैं कि आप लोग ठेला लगाइए और पकौड़ा बेचने का काम किया। उन नौजवानों से जिससे आपने वोट लिया था कि आप हम आपको नौकरी देंगे, उनसे आज आप कह रहे हैं कि आप पकौड़े बेचिए। पकौड़ा बेचना कोई खराब चीज नहीं होती, खुंजा और पकौड़ा और ये ठेले वाले, ये तो हम लोगों की पार्टी ही गरीबों की पार्टी है, हम तो उन्हीं के लिए खड़े रहते हैं, लौटे रहते हैं। लेकिन धोखा तो नहीं देना चाहिए कि तुम डिग्री लिए घूम रहे हो और हम तुमको पकौड़ा बेचने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि हम नौकरी नहीं दे सकते। तो ये वो पार्टी महिलाओं की सुरक्षा की बात, महिलाओं से कहा कि हम आ जाएंगे तो आपकी सुरक्षा हो जाएगी। क्या सुरक्षा हो रही, हर 2 घंटे में जैसा कि हमने कहा कि एक महिला की रेप होती है उत्तर प्रदेश में, यही सुरक्षा की बात है। किसानों से कहा तुम्हारी आमदनी हम 2 गुना कर देंगे, 2 गुना तो छोड़िए, शून्य पर पहुंचाने का काम कर दिया। और फिर इन्हीं उद्योगपतियों ने कहा कि हमको सब कुछ तो मिल गया लेकिन अभी हमें जमीन चाहिए इस देश की, देश को आपने हमको भेज दिया पर जमीन भी चाहिए। तो जमीन पे नियर जब आ गई तो किसानों के लिए उन्होंने 3-3 कानून बनाने का काम कर दिया। 3 कानून जो लाते हैं किसानों के ऊपर, किसान ऐसे ही नहीं पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग भी उनके साथ में आंदोलन रखते हैं। हम लोग पार्लियामेंट से लेकर बाहर तक उनका उनके साथ में आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कानून बनाए 3 कानून जिसके तहत में उनकी जमीन हमेशा हमेशा के लिए उनके हाथों से चली जाएगी। उसमें मजबूरन उनको ठेके देने जमीन देनी पड़ेगी उद्योगपतियों को और वो कहते हैं कि आपको उसका फसल का पैसा देंगे। फसल का पैसा 1 दिन देंगे, 1 साल देंगे, 2 साल देंगे, 3 साल कह देंगे कि अब हम आपको फसल का पैसा नहीं दे सकते क्योंकि फसल अच्छी नहीं मिली, सूखा पड़ गया, कभी बार बीज खराब हो गया, खाद ठीक नहीं थी, आपने बुआई ठीक से नहीं करी और इसलिए हम आपको फसल का पैसा नहीं दे सकते। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो सिर्फ यही होगा कि धीरे धीरे वो जमीन उनके हाथ से चली जाएगी और उसके बाद जमीन का पट्टा वो उनके नाम पे लिखी जा चुका है। ये लोग बेचारे किसान मुकदमे में उलझे रहेंगे, जीवन भर अपनी जमीन के लिए आगे पीछे लौटते रहेंगे और इसलिए वो आंदोलन। उनसे जब कहा गया पार्लियामेंट के अंदर, हम लोगों ने कहा, हमारी पार्टी ने कहा और पार्टी ने चाहे लोकसभा हो जहां सारी साहब ने इस बात को उठाने का काम किया, राज्यसभा में हमने उठाया और कहा कि ये 3 कानून क्यों ला रहे हैं आप हमारे ऊपर, तो कहते हैं कि नहीं ये इनके हक में है। अगर जिसके हक में आप कह रहे हो वो कह रहा मेरे हक में नहीं है तो क्यों उसके ऊपर ला रहे हो?
क्योंकि ये कह नहीं सकते कि हमको तो किसी और से वादा कर दिया है, उससे हजारों करोड़ रुपए मिल गए हैं पार्टी के लिए और अब पार्टी में हमको पैसा इस्तेमाल कर लिया है, वापस नहीं कर सकते, इसलिए किसानों का यह कानून भी वापस नहीं करें। अरे इनके पास तो पहले से इतना पैसा है, लाखों करोड़ रुपए जो इन्होंने राम के नाम पे कमाया है वो कहां गया? वो भी तो इसी काम पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पैसा राम के नाम पे जो इकट्ठा किया था मंदिर पे तो लगेगा, तो कहां जा रहा है? वो इसी पार्टी के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है। अभी चुनाव आएगा 2022 का, आप खुद देखेंगे कहां से पैसा इकट्ठा करेंगे। 500 हेलीकॉप्टर उतार देंगे, प्रदेश में योजना बना रखी है, हर जिले में 100-100 गाड़ियां भेजने के काम करेंगे, स्क्रीन लगा करके, ये इनकी योजनाएं हैं। तो इसमें तो अरबों रुपया लगेगा, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए। कहते हैं कि अपनी बात दोबारा सत्ता हमारे हाथ में आना जरूरी है, हमको अगर सत्ता नहीं मिली दोबारा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारी सारी चीजें ये खुल जाएंगी। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो इनका एक एक चिट्ठा जरूर खोलने का काम करेगी, ये सवाल है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी से समाज है और इसीलिए चाहते हैं कि ये सरकार में बने रहे, और अगर 5 साल इस सरकार में और बने रहे तो आपकी बात को ब्राह्मण समाज के लोगों को याद करना चाहिए कि आपकी बात को अभी इतना उत्पीड़न किया है, आगे तो ऐसा करेंगे। ये वो जो चाहते हैं कि आप प्रदेश छोड़ दीजिए और प्रदेश से बाहर निकल जाइए, ये उससे मजबूत कर देंगे। लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मण समाज के लोग भगवान श्री परशुराम के वंशज हैं, और वो ठीक है आपने डरा धमका रखा है, लेकिन जिस दिन वो उठ के खड़े हो गए और अपनी बात बोलने लगे कहने लगे, जो अब समय आ गया है और अब बोल रहे हो तो अब इनके जाने का भी वक्त आ गया। आज जिस तरीके से हम पूरे उत्तर प्रदेश में जहां गए हैं, जहां जहां भी गए हैं, और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक तरफ हो रहे हैं और मुखर हो रहे हैं, और गांव गांव जाकर के और घर घर जाकर के जो बातें हैं उनसे कर रहे हैं, उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इनका असली चेहरा खोलने का काम कर रहे हैं। तो ये भी अटका है कि जब ये 16% 3 करोड़ लोगों ने अपनी ठान ली है तो ये 3 करोड़ नहीं है, ये 5 करोड़ और लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करके और इनको उठाने का काम करने का काम करेगा। और ये निश्चित है कि अपनी बात ऐसा ही होगा, और इसीलिए आप जानते हैं गणेश मिश्र जी जो इस जनपद के प्रभावी एवं सम्मानित ब्राह्मण है, उन्हें अपमानित करके करने के उद्देश्य से ही उनके मकान को गिरा दिया गया, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से। ये जो आपका एक हिस्सा हो रहा है, ये एक हिस्सा है, ये आप मान के चलिए, ये हर जगह में हो रहा है। बुलडोजर तो इनके हर जिले में चल रहे हैं, किसी भी जात किसी भी धर्म किसी भी उसमें हो, खाली ब्राह्मण समाज नहीं, अगर वो मजबूत किस्म का आदमी है और इनके साथ में ही नतमस्तक है तो उसके साथ में इसी तरह से अपमान करके अपमानित करके और उसको बेइज्जत करने का ये लोग काम करते हैं। बहन मायावती जी की सरकार का याद करके, इन्होंने तो नौकरियां लेने का काम किया, बहन मायावती जैसे ही सरकार बनेगी आते ही पहला आदेश उन्होंने पहली कैबिनेट में किया था, उन्होंने जो एक रोक लगा रखी गई थी कई वर्षों से कि अपर कास्ट समाज की जो नौकरियां हैं उस पर रोक लगा दी गई थी कि पैसा नहीं है इनको नौकरी ले नहीं सकते। बहन मायावती जी ने आते ही उस आदेश को पहले निरस्त किया और उसके बाद नौकरी देने का काम शुरू किया। 5 लाख नौकरियां पहले वर्ष में दी थी, 23.5 लाख नौकरियां उन्होंने देने का काम किया था, नई नौकरियां देने, पुरानी को तो भरने का काम किया और नई नौकरियां देने का काम बहन मायावती जी ने करने का काम किया। उनके दौरान में जो विकास हुआ था वो सबको मालूम है कि किस तरह का विकास उसमें होता था। उनका 29,000 गांव जो अम्बेडकर गांव कहलाते थे उनका समग्र विकास बहन मायावती जी ने किया था। अगले 5 वर्षों में जो बाकी बचे हुए गांव थे पूरे प्रदेश के उनका समग्र विकास करने की योजना की थी। 29,000 प्राइमरी स्कूल बनाए, 5,000 हाई जूनियर हाई स्कूल और 5,000 हाई स्कूल बनाए, 7-7 यूनिवर्सिटी बनाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई और उसमें एक यूनिवर्सिटी लखनऊ में, 2 यूनिवर्सिटी थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की,
एक तो उन्होंने दी विकलांगों के लिए, जो पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में भी, दुनिया में भी ऐसी यूनिवर्सिटी अकेली नहीं है जो सिर्फ विकलांगों के लिए हो। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से उन्होंने जो यूनिवर्सिटी लखनऊ में बनाई उसमें विकलांगजनों के लिए यूनिवर्सिटी। उन्होंने पहली उत्तर प्रदेश की अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बहन मायती जी बनाई। उन्होंने एक दो नहीं सात सात मेडिकल कॉलेज बनाए और पूरे मेडिकल कॉलेज जमीन से लेकर के आखिर तक बना करके खड़ा करने का काम किया। इस सरकार की तरह नहीं कि जो जिले में अस्पताल है उसको मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया, कहा कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए। इस तरह का ढोंग उस सरकार में नहीं होता था। बहन मायती जी ने 23-23 नए जिले बनाए, 23 जिले बना करके उन जिलों का पूरा विकास। जब एक जिला बनता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको बनाने का काम बहन मायती जी ने। जितने भी ब्राह्मण समाज के लोगों के आस्था के स्थान है, अयोध्या में सरयू नदी का घाट बनाया, वाराणसी में जितने घाट हैं उनको बहन मायती जी ने बनवाने का ठीक कराने का काम किया। इतना ही नहीं वाराणसी का विकास भी करने का काम किया। जो फ्लाईओवर एक वहां दिखता है वो बहन मायती जी की सरकार ने बना था, और भी जो काम किए गए वहां पर बहन मायती जी के द्वारा किए। इनके तरह नहीं कि वाराणसी में जो वहां पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, उसको भी इन्होंने ध्वस्त करने का काम कर दिया। उस मंदिर में अब कुछ नहीं बचा। बहुत अफसोस हुआ मुझे जाकर के देख करके दर्शन करके जब मैं परसों गया वहां, मैंने वहां जब दर्शन किए, इसके पहले भी वहां हम तो हर साल जाते पिछले 1.5 साल के बाद अब आए, और जब दर्शन किए तो देख करके इतना बड़ा आघात हुआ कि ये मंदिर का रूप खत्म करके और इस पर पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिससे कि गाड़ियां आ सके मंदिर तक, VIP की गाड़ी मंदिर तक आ सके, मंदिर में सीधे मंदिर के ऊपर वहां गंगा नदी को पाटने का काम हो रहा है। मणिकर्णिका घाट जो थी, जहां पर 24 घंटे डेली एक ऐसी घाट है जो हजारों वर्षों से 24 घंटे वहां लोगों के देहांत होने के बाद वहां चाहे शाम हो जाए सूर्यास्त के बाद भी वहां पर जो है उनका क्रिया होता, उसको भी तोड़ने का काम किया। सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए रास्ते में और बिल्डिंगे तोड़ दी और तोड़ करके मधुरा गंगा जी में डाल दिया, गंगा का रूप बदलने का काम किया। वहां चंद्राकार गंगा जी करती थी बहुत शांत, क्योंकि वो भगवान शिव के छू करके निकलती थी वहां से, हमेशा शांत रूप से वो किनारे से होती भी जाती थी। लेकिन ये लोग आए हैं, इन्होंने कहा कि हम भगवान शंकर के जो आती है गंगा जी उनको छूने, वो छूने नहीं देंगे। इन्होंने आकर के उस आकार को बदलने के लिए वहां पर तोड़ करके मलबा गंगा नदी में डाल करके और वहां पाटने का काम किया है, जिससे कि जब ये लोग बड़े बड़े शिप जो बना रखे हैं इन्होंने, जिससे कि आते हैं बोट से तो वहां पर उतरे और मंदिर में जाए। कॉरिडोर के नाम पर वहां पर दुकानें बन रही, मॉल बन रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, और उसको 400 करोड़ रुपए का अंतरराष्ट्रीय एक टेंडर निकाल करके जो वही इनके एक दो चुनिंदा बिजनेसमैन है उनके लिए वो टेंडर निकाला गया है कि वो लोग यहाँ पर बड़ी आलीशान दुकानें बनाएंगे। 100-100 शौचालय बनने की योजना है उस दौरान उस कॉरिडोर में, वहां पर रुकने का स्थान बनेगा इनके लोगों के लिए जो आएंगे लोग, उसका पूरा स्वरूप ही बदल गया। और इतना जो किया तो किया, वहां पर जितने भी मंदिरों में शिवलिंग थे जो उस रास्ते में मंदिर पड़ते गए उनको तोड़ते गए, शिवलिंग को भी लेकर के गंगा जी में डालने का काम किया। जब शोर बचा तो उनको बोरों में भर करके जो बाकी बचे थे सैकड़ों की संख्या में उनको ले जा करके वहां पर लंका थाना है वहां पर बोरों में बन करके फेंकने का काम किया। इस तरह का अनादर भगवान श्री शिव के साथ में उनके शिवलिंगों के साथ में जो किया तो किया ही, तोड़ फोड़ की तो की, लेकिन मंदिर के अंदर घुस के भी तोड़ फोड़ कर दी। वहां पर जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां थी, मां पार्वती की मूर्ति, बिन पार्वती शिव जी कैसे रह सकते हैं, पार्वती को नहीं हटा दिया वहां से, पार्वती को हटा करके उनकी प्रतिष्ठित मूर्ति थी। आप सब लोग भी गए होंगे हमारी तरह कई बार, दर्शन करने के बाद आप लोग परिक्रमा करते हैं, वहां पर पार्वती जी का था, मां अन्नपूर्णा का मंदिर अंदरी था और गणेश जी के थे और हनुमान जी की मूर्ति थी। ये सब स्थापित मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का मतलब कि जब उनको स्थापित किया गया था और अभी के नहीं सैकड़ों वर्षों से, तो उनके अंदर प्राण
प्रतिष्ठित किए जाते हैं। आपने उनको वहां से उठा लिया, तोड़ दिया, वहां से उठा लिए और अब भोले शंकर के जो इर्द गिर्द में अंदर भी मूर्तियां थी उनको भी हटा दिया। अब अगर बचे हैं तो सिर्फ वहां भगवान श्री भोले शंकर बचे हैं और उनको कब उठाएंगे ये पता नहीं, उसके बारे में भी इनकी कोई ना कोई सोच होगी कि इनको भी यहाँ कहीं हटा करके दे जाएंगे। वरना सबको पूरे परिवार को हटा दिया, सबको ले गए, ये कैसे धर्म के लोग हैं, ये कैसे धर्माधिकारी लोग हैं, ये वाराणसी के नाम करके वोटों की बात करते हैं तो वाराणसी को भरा करना, वाराणसी के शहर में हम तो 3 दिन से हैं, एक भी ऐसी गली एक भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहां पर कह सके कि वृंदावन की तरह वाराणसी में भी कुछ काम हो गया, कुछ नहीं हुआ और सिर्फ हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, 90 करोड़ रुपए वहां की न्यास समिति जो थी, और ये न्यास समिति कोई ऐसे नहीं, 1983 का कानून बना था उस कानून के तहत न्यास समिति बनी थी और वहां का रुपया खर्च करने की ताकत और शक्ति और बजट बनाने का सिर्फ न्यास समिति के पास शक्ति थी उस अधिनियम के तहत, इसलिए अधिनियम के तहत में ये काम ना हो सके उनका विरोध होगा, तो इसलिए इन्होंने कॉरिडोर के नाम से एक बना दिया कुछ, और ऐसे ही एक बना करके सारी चीजें उसमें समर्पित कर, और न्यास समिति का कोई अध्यक्ष पिछले 2 वर्षों से नहीं, कोई मेंबर नहीं, इसीलिए उनसे कोई पूछने की जरूरत नहीं, 90 करोड़ रुपया उनका पास था, 90 करोड़ रुपया न्यास समिति के पास था, 90 करोड़ रुपया पता नहीं कहाँ खर्च कर दिया, कहाँ ले गए, और सिर्फ 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया बचा है वो भी बहुत जल्दी कहीं ना कहीं उठा करके और खर्च करने का काम करेंगे। इस तरह से वाराणसी के वहां पर स्वरूप को बदलने का काम, वहां की आस्था जो हम लोग की जुड़ी है, जिस तरीके से वहां पर जाते हैं तो दर्शन करने के लिए, तो वो अब आस्था ही खत्म करने का इन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिया, उसको एक पर्यटन स्थल का रूप लेने की इन्होंने शुरुआत कर दी। हम लोगों ने भी अपनी सरकार में काम किया था, हमें आप लोग वृंदावन गए होंगे, नहीं गए होंगे जाके देखेंगे, 12 वर्ष पहले 13 वर्ष पहले हमारी सरकार की वृंदावन हम गए थे, वृंदावन को हमेशा ही जाते रहते थे, लेकिन वहां की व्यवस्था को देखकर के बहुत अफसोस होता था, वहां के लोगों से पूछा कि क्या चाहते हैं आप वृंदावन में, उन्होंने कहा यहाँ कुछ है ही नहीं तो चाहेंगे क्या, जो कुछ हो तो हम बनाए, यहाँ तो सीवर लाइन भी नहीं है, पानी की पीने की लाइन नहीं है और क्या बनाएंगे, तो हमने वहां पूरे वृंदावन में सीवर लाइन लगवाई, पूरे वृंदावन में पानी की लाइन लगवाई, कई कई किलोमीटर की जो पूरी परिक्रमा की जो सड़क होती है उसको बनवाने का काम किया, फुटपाथ उसके साथ में बनाया, कच्ची परिक्रमा करने का काम किया, यहाँ से लेकर वृंदावन से लेकर गोवर्धन तक का, वहां पर लोग आते थे वृद्ध लोग उनका इलाज के लिए, जगह जगह कोई बीमार हो जाते थे मर जाते थे, 100 बेड का आधुनिक अस्पताल वहां बनवाने का काम किया, बिजली 2 घंटे की आती थी नया बिजली घर बनवाने का काम किया, बस अड्डा नहीं था लोगों को बहुत दूर दूर से पैदल आना पड़ता था, वहीं पर एक बस अड्डा बनवाने का काम किया, मथुरा और वृंदावन के बीच में लोग आ नहीं पाते थे, रेलवे एक रेलवे लाइन थी जिसकी वजह से घंटों घंटों लोग पड़े रहते थे, हमने उसके ऊपर ओवर ब्रिज बनवाने का काम किया, विधवा आश्रम बनवाने का काम किया, पूरे वृंदावन का समग्र विकास करने का काम किया। वो बात दूसरी है कि वहां की देखभाल ये नहीं कर रहे हैं तो इसलिए वहां पर परिस्थितियां फिर से खराब हो रही है, लेकिन चूंकि बहन मायावती जी की सरकार में काम हुआ था तो वो काम इनकी तरह नहीं होता है कि आज काम हुआ और कल सड़क टूट गई, वो 15 साल हो गए लेकिन फिर भी आज चूंकि वो 50 साल की तो हम लोग लेकर के चलते हैं कि जो काम हो रहा चलता रहे, तो आज भी वहां पर आप जाएंगे तो आपको रोजगार सामने दिख जाएगा, लेकिन हम लोग इनकी तरह ढोल नहीं पीटते, हम इनकी तरह वोट धर्म के नाम नहीं कर लेते हैं, हम लोगों ने पिठूर पे जाकर के काम किया, जहाँ भगवान श्री राम के बाद सीधा वहां जो जहाँ रुकी थी जाकर के लव कुश का जन्म हुआ था, महेश वाल्मीकि जी का जहाँ आश्रम था उसका समग्र विकास हमने किया था, 150 करोड़ रुपए खर्च करके बिठूर का सारे मंदिर और सीता रसोई और वाल्मीकि आश्रम इन सब चीजों को करने का, बिजली की व्यवस्था हर चीज करने का काम किया, हम लोगों ने धर्म के नाम पे जो लोग स्थान हुए वहां पर काम करने का काम किया, लेकिन काम के नाम पे वोट मांगने का काम नहीं किया जैसा कि ये लोग कर रहे हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर के मैं आपसे अनुरोध करता हूँ
कि आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि ये लोग जो है आपके बीच में फिर से आएंगे और फिर से आकर के आपको लुभावने वादे देंगे और लुभावने वादे देकर के फिर से आपसे कहेंगे कि हमको वोट दे दो, धर्म का मुखौटा दिखाएंगे आपको, फिर वोट मांगेंगे। लेकिन अब की बार जब आपके बीच में आए तो इनका मुखौटा आप हटाने का काम करिएगा और इनके पीछे जो अपनी चेहरा है वो इनका दिखाने का काम करिएगा। अपने लोगों के बीच में जाइएगा, इन बातों को उनके तक सीमित मत रखिएगा, आप गांव में जा करके इन बातों को उनको पहुंचाने का काम करिएगा और उन लोगों से भी कहिएगा वो भी आगे इन बातों को बढ़ाने का काम करें। बताइएगा कैसे कानून द्वारा कानून का राज बहन मायावती जी ने चलाने का काम किया था, अपने खुद के सांसद को जिसने 15 दिन बनी हुई थी सरकार और अपने हाथ में कानून लेने का काम किया था, तो बहन मायावती जी ने अपने घर से बुला करके वही हथकड़ी लगा करके और जेल भिजवाने का काम किया था और 5 साल तक रखने का काम किया था। किस तरह से आज महिलाएं असुरक्षित है, बहन मायावती जी का राज याद करिए, रात के 12 बजे भी अगर किसी बहन बेटी को बाहर निकलने की जरूरत होती थी वो डरती नहीं थी, हिचकती नहीं थी, वो जानते अपने काम के लिए निकल जाती थी, वो जानती थी किसी की हिम्मत नहीं है, बना नहीं है उसकी तरफ गलत निगाह डाल दे। क्यों? क्योंकि उसको ये मालूम था कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी है। और इसलिए इन बातों को ध्यान में रख करके 2022 में अब की बार इकट्ठा होकर के और ब्राह्मण समाज को जो उसका अपमान हुआ है उस अपमान का बदला लेने का वक्त आ गया है। भाईचारा बनाइए, सब समाज को एक साथ लेके चलिए, जो ब्राह्मण समाज का धर्म भी है और उसका कर्म भी है और वो एक साथ लेकर के फिर से भाईचारा बना करके सब जन की सरकार बनाने के लिए, सब जन रुकाए और सब जन सुखाए की सरकार चलाने के लिए अब की बार सन 2022 में 5वीं बार बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए और इस प्रदेश को सही रास्ते में लाने के लिए अपना योगदान देने का काम करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। और आपने देखा कि हम जब आए तो वर्षा हुई थी और वो आशीर्वाद हुआ, वो इन भगवान इंद्र ने भी आपको आशीर्वाद देने का काम किया है। इससे अब की बात हम लोगों के साथ प्रभु की कृपा है, इस बात को भी ध्यान में रखिए।